हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दी आइसबर्ग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मल्टीप्लेक्सर के बारे में। मल्टीप्लेक्सर कम्युनिकेशन सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में भी मोस्टली ये क्वेश्चन जो है, जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम से रिलेटेड एग्जाम्स होते हैं उनमें मल्टीप्लेक्सर का कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आपसे पूछा जाता है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, एक साधारण भाषा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और उसकी क्या एप्लीकेशंस होती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्सर इस नाम से। अगर इस नाम को हम गौर से देखें दोस्तों, तो हमें देखिएगा ये मल्टीप्लेक्सर जो वर्ड है इसमें रिफ्लेक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन, जिसका मतलब होता है बहुत सारी चीज़ों को एक जगह पर लेकर आना या एक जगह पर इकट्ठा करना। इस मीनिंग को या इस वर्डिंग्स को आप याद रखिएगा, क्योंकि मल्टीप्लेक्सर की जो भी वर्किंग है या उसका जो एप्लीकेशन है उसको समझने में ये जो डिस्क्रिप्शन है इस नेम का, वो हमें हेल्प कर सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मल्टीप्लेक्सर्स का यूज़ क्या है या ये किस तरह से काम करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर बात करें कम्युनिकेशन सिस्टम की, तो हमने अपनी पुरानी वीडियोस में देखा, पिछली वीडियोस में हमने देखा कि मॉड्यूलेशन क्या होता है और सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट किए जाते हैं, जिसमें हमने देखा कि एक ट्रांसमीटर और एक रिसीवर के बीच में एक चैनल होता है जिसके माध्यम से सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट होता है। अब ये चैनल या तो वायर हो सकती हैं या फिर वायरलेस केसेस में ये कुछ फ्रिक्वेंसी बैंड्स हो सकते हैं जिनके थ्रू सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर क्या हो, सोचिए अगर क्या होगा कि हर सेंडर और रिसीवर के बीच में एक सेपरेट चैनल की ज़रूरत पड़ जाए, यानी कि अगर मैं किसी के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ टेलीफोन पे, तो मेरे और रिसीवर के बीच में एक टेलीफोन लाइन होगी, और अगर मैं किसी और व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो और उसके और मेरे बीच में एक सेपरेट टेलीफोन लाइन होगी। तो इससे क्या होगा, टेलीफोन लाइंस का जो ये जाल है वो इतना ज़्यादा बिखर जाएगा, एक्चुअली वो फिजिकली पॉसिबल भी नहीं होगा कि हर ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में एक फिजिकल चैनल जो है बनाया जाए जिसके थ्रू कम्युनिकेशन हो सके। या फिर अगर हम वायरलेस की भी बात करें, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में भी सिग्नल ट्रांसमिशन के लिए हमारे पास एक लिमिटेड फ्रिक्वेंसी बैंड्स हैं। अगर उनको हर पर्सन या हर यूज़र एक फ्रिक्वेंसी बैंड का भी इस्तेमाल करे, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जितनी हमारी वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो उन फ्रिक्वेंसीज का इस्तेमाल करके कम्युनिकेशन कर पाए। तो इन केसेस में क्या होगा, कम्युनिकेशन सिस्टम जितना हैंडी या जितनी इजीली हम आज कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज़ कर पाते हैं, उस तरह से हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आप टेलीफोन में टेलीफोन कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं या फिर जूम के थ्रू हम मल्टीपल लोगों के साथ जो है एक समय पे मीटिंग्स कर पाते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये पॉसिबल होती है मल्टीप्लेक्सर्स की वजह से। अब मल्टीप्लेक्सर्स किस तरह से काम करते हैं, चलिए देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास तीन यूज़र हैं जो हैं अपने सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट करना चाहते हैं। तीन सिग्नल्स का मतलब है तीन अलग अलग बेस बैंड सिग्नल्स या जिनकी फ्रिक्वेंसीज अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास पहला सिग्नल रहेगा, ठीक है। ये पहला सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी मान लीजिए F1 है, ठीक है। सेकेंड सिग्नल जिसकी फ्रिक्वेंसी F2, और ये तीसरा सिग्नल है जिसकी फ्रिक्वेंसी जो है F3 है। ये तीन डिफरेंट टाइप के जो सिग्नल्स हैं ये मेरे लिए बेस बैंड सिग्नल्स हैं, ठीक है, या जिनमें एक्चुअल में इन्फॉर्मेशन है, इसे मैं ट्रांसमिट करना चाहता हूँ। अब ट्रांसमिशन से पहले क्या करते हैं हम, पहले तो इस सिग्नल को मॉड्यूलेट किया जाता है, और मॉड्यूलेट करने के लिए हम इन्हें एक हाई फ्रिक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ सुपरइम्पोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों सिग्नल्स को हम मॉड्यूलेट करेंगे, लेकिन हम ध्यान रखेंगे कि तीनों जो इन्फॉर्मेशन सिग्नल्स हैं उनको अलग अलग कैरियर फ्रिक्वेंसी पर मॉड्यूलेट किया जाए। तो ये पहले इन्फॉर्मेशन सिग्नल को हम क्या करेंगे, मॉड्यूलेट करेंगे, और ऑसिलेटर के थ्रू हम एक कैरियर फ्रिक्वेंसी जो है वो इसको प्रोवाइड करेंगे, जो कि जिसे मान लेते हैं कि वो जो कैरियर फ्रिक्वेंसी है वो C1 है। सिमिलरली सेकेंड बेस बैंड सिग्नल के लिए कैरियर फ्रिक्वेंसी C2 होगी और थर्ड के लिए C3 होगी। अब जब ये मॉड्यूलेट होकर आएगा हमारे पास सिग्नल, तो वो हमारे पास जो होगा वो सिग्नल होगा जिसे हम एक्चुअल में ट्रांसमिट करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों सिग्नल्स को मल्टीप्लेक्सर में एज इनपुट प्रोवाइड करेंगे, और मल्टीप्लेक्सर इन तीनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करके एक कॉमन सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब उस कॉमन सिग्नल को हम एक ही चैनल के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब मल्टीप्लेक्सर इन तीनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करेगा, तो लास्ट में हमारे पास जो ट्रांसमिशन सिग्नल है वो कुछ इस तरह से नज़र आएगा, जिसमें पहले हमारे को दिखेगा कि F1 सिग्नल जो है वो एक स्लॉट हमें F1 सिग्नल का दिखाई देगा, सेकंड स्लॉट हमें F2 का दिखाई देगा, और थर्ड स्लॉट F3 का दिखाई देगा। अब ये तीनों सिग्नल एक साथ एक ही चैनल से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। इससे क्या होगा, हम पर्टिकुलर चैनल का बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंटली यूज़ कर पाते हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम को बेहतर बना पाते हैं। अब जब हमने एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल को
या फिर एक मल्टीप्लेक्स सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसमिट कर दिया है, तो हमें एंड यूज़र पे ज़रूरत पड़ेगी कि हम वहाँ पे या रिसीवर एंड पे इन तीनों सिग्नल्स को सेपरेट करें। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डी मल्टीप्लेक्सर, जिस तरह से हमने ट्रांसमीटर सेक्शन में मल्टीप्लेक्सर यूज़ किया था जिसने इन तीनों सिग्नल्स को मल्टीप्लाई किया, उसी तरह से हम रिसीवर एंड पे डी मक्स यानी कि डी मल्टीप्लेक्सर इस्तेमाल करेंगे जो इन तीनों सिग्नल्स को अगेन अलग करेंगे। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, बेसिकली एक बैंड पास फिल्टर्स होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम कैरियर सिग्नल्स को जो है हमारे इन्फॉर्मेशन सिग्नल से अलग कर देते हैं और एंड में हमें इन्फॉर्मेशन सिग्नल जो है वो मिल जाता है। तीन अलग अलग सिग्नल्स जिनका तीन अलग अलग लोग इस्तेमाल कर सकते हैं या उन्हें रिसीव करके उसका प्रॉपरली यूटिलाइजेशन किया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये मल्टीप्लेक्सर काम करता है। तो मल्टीप्लेक्सर के जो है बेसिकली दो टाइप्स होते हैं, पहला है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो जो मल्टीप्लेक्सिंग अभी हमने देखी वो थी हमारी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें क्या होता है, बेसिकली एक ही फ्रीक्वेंसी पर हम अलग अलग सिग्नल्स को एक साइमल्टेनियसली यानी एक ही समय पर ट्रांसमिट कर सकते हैं, इससे समय की बचत होती है। सेकेंड जो टाइप ऑफ मल्टीप्लेक्सर है वो है TDM, जिसे हम टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग कहते हैं। अब इस मल्टीप्लेक्सिंग के थ्रू हम क्या करते हैं कि अलग अलग सिग्नल्स को अलग अलग टाइम स्लॉट्स प्रोवाइड करते हैं, वो अपने अपने टाइम स्लॉट पर एक पर्टिकुलर चैनल से ट्रांसमिट होती है। इसका लॉस ये है कि एक पर्टिकुलर सिग्नल जब तक ट्रांसमिट हो गया है या कि रिसीवर एंड तक पहुंच गया है, तो सेकेंड इन्फॉर्मेशन सिग्नल यानी कि जो व्यक्ति है जो ट्रांसमिट करना चाहता है, अगर वो दोबारा सिग्नल या कोई कम्युनिकेशन करना चाहता है, तो उसको वेट करना पड़ेगा जब तक कि उनके बीच के जितने भी कम्युनिकेशन हैं वो क्लोज ना हो जाए। यानी कि मान लीजिए हम जो जूम मीटिंग करते हैं उसमें 60 पार्टिसिपेंट्स हैं और आपने कोई कम्युनिकेशन कर दी है लेकिन आप दोबारा कम्युनिकेट करना चाहते हैं, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो 60 लोग अपनी कम्युनिकेशन पूरी कर दें और आपका दोबारा टाइम स्लॉट आए तभी आप बोल पाए। तो इससे क्या होता है, कम्युनिकेशन जो है इनइफेक्टिव हो जाता है और इसमें टाइम का लॉस रहता है। तो ये है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा दोस्तों। अगर कोई डाउट रह गया हो या कोई क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर प्रॉपरली आंसर देने का मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो पर जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।